हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वायरस के बारे में व्हाट इज़ वायरस एंड वायरस का कितना फेज होता है कंप्यूटर में तो पूरा डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वायरस क्या है वायरस इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स बाई मॉडिफाइंग देम उसको मॉडिफाई कर देगा इनफेक्ट कर देगा द मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स ए कॉपी ऑफ द वायरस प्रोग्राम जब मॉडिफिकेशन करेगा तो वायरस प्रोग्राम का एक कॉपी भी वहां पर अटैच हो जाएगा विच कैन देन गो ऑन टू इनफेक्ट अदर प्रोग्राम अदर प्रोग्राम को भी इफेक्ट वो कर देगा ए वायरस कैन डू एनी थिंग दैट अदर प्रोग्राम्स टू

इट कैन परफॉर्म एनी फंक्शन सच एज इरेजिंग फाइल एंड प्रोग्राम्स एक बार वायरस एग्जीक्यूट कर गया तो एनी फंक्शन कर सकता है इरेज कर सकता है फाइल को प्रोग्राम को भी इरेज कर सकता है तो वायरस क्या होगा खुद अटच हो जाएगा इट सेल्फ अटच हो जाएगा दूसरे प्रोग्राम के साथ और धीरे धीरे क्या होगा होस्ट प्रोग्राम जब रन हो जाएगा तो फाइल जो है इरेज कर देगा फाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा मॉडिफाई कर देगा ठीक है इंडिकेशंस क्या क्या हैं स्पीड ऑफ द सिस्टम स्पीड ऑफ द सिस्टम पहले जो था अभी दिख, अभी अगर आपको कम हो जा रहा है स्लो स्पीड आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वायरस इन्फेक्ट हो सकता है लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट्स अकाउंट से आप लॉग इन किए हो और बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है बार बार फ्रिक्वेंटली लॉग इन कर रहे हो लॉग आउट भी हो जा रहा है पॉप अप विंडोज बार बार एक मैसेज आपको शो हो रहा है कॉशन कॉशन ऐसे करके मैसेज आपको शो होगा सेल्फ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपने प्रोग्राम को क्लिक नहीं किया ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि सेल्फ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है क्रैशिंग ऑफ डिवाइसेस क्रैशिंग ऑफ डिवाइसिस मतलब कभी कभार क्या होता है कंप्यूटर जो होता है हैंग हो जाता है पर्टिकुलरली एक चीज़ को आप क्लिक कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है तो ये सब हैं फिर डिस्कस करते हैं फेज ऑफ वायरस पहला जो फेज है दैट डोरमेंट द वायरस इज आइडल इन द वायरस विल बी एक्टिवेटेड बाय सम अदर इवेंट सच एज द प्रेजेंस ऑफ अनदर प्रोग्राम और फाइल और द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क एक्सीडिंग सम लिमिट तो ये तब आइडल में रहेगा नॉट ऑल द वायरस का डोरमेंट फेज नहीं भी हो सकता है ठीक है नेक्स्ट फेज क्या है प्रोपागेशन फेज इसमें क्या होगा द वायरस प्लेसेस एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट जो वायरस का डिफिनेशन है इन टू अदर प्रोग्राम्स और इन टू सर्टिन सिस्टम एरियाज़ ऑन द डेस्क इच इंफेक्टेड प्रोग्राम विल नाउ कंटेन ए क्लोन ऑफ द वायरस जो भी इंफेक्टेड प्रोग्राम हो गया वो क्या करेगा वायरस का क्लोन हो जाएगा विच विल इट सेल्फ एंटर ए प्रोपागेशन फेज तो धीरे धीरे एक एक करके सब नष्ट कर देगा तो ये प्रोपागेशन फेज है सेकेंड फेज है फिर देखते थर्ड फेज द टिगरिंग फेज यहां पर क्या होता है द वायरस इज एक्टिवेटेड टू परफॉर्म द फंक्शन फॉर विच इट वॉज इंटेंडेड यहाँ पे वायरस परफॉर्म करना चालू कर देगा एज विथ द डॉर्मेंट फेज द टिगरिंग फेज कैन बी कॉज बाय ए वेराइटी ऑफ सिस्टम इवेंट इंक्लूडिंग ए काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स वायरस हैज मेड कॉपी हो सकता है मान लीजिए दस बार अगर कॉपी हो जाएगा तो पर्टिकुलरली एक टास्क uh, होगा टीगर हो जाएगा तो ऐसा ही कुछ uh, यहाँ पे टीगरिंग लास्ट वन दैट इज अग्जीक्यूशन फेज तो टीगरिंग टीगर tigger जब दब, दब जाता है क्या हो जाता है uh, जो बॉम्ब है फट जाता है वैसे ही जब टीगरिंग फेज कंप्लीट हो जाता है मतलब एग्जीक्यूशन फेज में आ गया था फंक्शन इज परफॉर्म The functions may be harmful such as message on the screen. यहां से आपको क्या होगा स्क्रीन में मैसेज आना चालू हो जाएगा और डैमेजिंग सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड डेटा फाइल तो चार फेज है डॉर्मेंट फेज नहीं भी हो सकता है लेकिन तीन फेज आपका वायरस में जरूर होगा मैंने डिस्कस कर दिया है पोपागेशन फेज टीगरिंग फेज और एग्जीक्यूशन फेज होप यू अंडरस्टैंड What is virus and what are the four phase of the virus? Hope you like the video and if you like the video then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.